अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। सुलजर कंपनी ने दीघा के 3500 रहवासियों में बांटी राशन सामग्री। नवीनभाई मनपा के साथ चलाया सामाजिक उपक्रम। स्विट्जरलैंड की सुलजर कंपनी ने आज दीघा के 3500 रहवासियों को मुफ्त राशन सामग्री बांटी। यह सामाजिक उपक्रम नवीनभाई मनपा के सौजन्य से चलाया गया। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि सुलजर स्विट्जरलैंड की 180 साल पुरानी कंपनी है और लॉकडाउन में जरूरतमंदों के लिए राशन और पीपीई किट वितरण के साथ ही मदद के कई सामाजिक उपक्रम चला रही है। अधिकारियों ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी और सबकी समस्या बन गई है, इसे निपटने में सरकारें अपनी भूमिका निभा रही हैं। हम इस समस्या से मिलकर लड़ रहे हैं और एक जिम्मेदार कंपनी के नाते सुलजर जरूरतमंद रहवासियों को मदद करने की पहल कर रही है। सुलजर एक स्विट्जरलैंड की 180 से ज्यादा पुराने साल कंपनी है और सुलजर जैसे कि आप लोग इंडिया में जानते हैं विश्वास करती है कि कम्युनिटी के साथ रहना है, तो सुलजर कंपनी भी यही विश्वास रखती है कि जिस भी कम्युनिटी में हैं, जिस भी समाज में हम हैं, हम उस समाज का हिस्सा हैं और हम उस समाज के लिए आभारी हैं कि उस समाज ने हमें अपनाया और वहाँ हमें कार्य करने दे रहे हैं। कोरोना का ये तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है बीमारी, तो इसमें सुलजर से जो भी छोटी मोटी मदद हो सक रही है हम पूरा कर रहे हैं निष्ठा के साथ। हमारे वॉलेंटियर्स भी काम कर रहे हैं। हमने यहाँ के अपने रबाले के दोनों थानों में कुछ पीपीई किट्स दी, वहाँ रेनकोट भी दिए बरसात के समय के लिए। एनएमएमसी के अधिकारियों के लिए हमने पीपीई किट्स दी। अमरनाथ में अमरनाथ के पुलिस थाने वाले कोरोना से जो गरीब लोग उससे ग्रस्त हैं उनको राशन देते हैं, वहाँ हमने राशन दिया। और फिर हमें पता चला कि हमारे जो सोशल पार्टनर हैं प्रथम वाले, प्रथम एजुकेशन वाले, उन्होंने बताया कि यहाँ कम्युनिटी को राशन की ज़रूरत है, तो हमने अभी 3500 परिवारों को हम राशन वितरित कर रहे हैं। और हमारा यही उद्देश्य है कि जितना भी हर इंसान से, हर कंपनी से जो भी बन पड़ता है हम अपना निभाएं इसको। और ये जो समस्या है ये किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, जिसको कोरोना हुआ है सिर्फ उसकी समस्या नहीं है, ये समस्या हम सबके लिए है और हम सब मिलकर इसका साथ दें। दीघा प्लांट एक हमारा ऐसा प्लांट है जो सालों से एक अच्छी प्रगति कर रहा है और हमारा ये मकसद रहता है कि सुलजर बीइंग ए कॉरपोरेट गुड कंपनी, गुड एमएनसी कंपनी, हम सोशल सर्विसेज में बहुत यू नो फोकस रखते हैं। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच वी हैव डिसाइडेड टुगेदर कि भैया हमारी कम्युनिटी जो यहाँ पे है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हम सुलजर को ग्रो करके बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हमको कम्युनिटी की भी ध्यान रखनी चाहिए। और हमारा एक CSR प्रोग्राम है आज जो हम कर रहे हैं, जिसमें हमने ड्राई राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है अपनी कम्युनिटी को, जिसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी कम्युनिटी को क्या चाहिए। बहुत कुछ अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं इंडिया में, कोरोना के चक्कर में बहुत ही इश्यूज़ चल रहे हैं, जिसके रेफरेंस में बहुत ही अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं, सरकार भी सपोर्ट कर रही है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी भी सपोर्ट कर रही है। हमारा मकसद था कि हम एक अच्छी NGO के साथ रहें, उससे बात करें और हमारी कम्युनिटी को रियल सेंस में क्या चाहिए वो सर्वे करवाएँ। उसके बेस के ऊपर हमने सर्वे करवा के पता चला कि उनको क्या रियल सेंस में चाहिए, तो ये ड्राई राशन है। इसमें हमने उनकी जो ज़रूरियात चीज़ें थी वो डाली है, जैसे टर्मरिक है, ऑयल है, जिसमें वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं मिलता है, तो हमने वो सब अंदर आज डिस्ट्रीब्यूट किया है। एंड वी आर वेरी ग्लैड टू डू दिस यू नो डिस्ट्रीब्यूशन टुडे विद दिस कम्युनिटी। मुफ्त राशन वितरण के दौरान स्थानीय पुलिस थाने के सीनियर इंस्पेक्टर समेत तमाम लोग मौजूद थे। नागरिकों ने सुलजर कंपनी की सामाजिक पहल की सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।